कई नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और आज कपिल सिब्बल ने भी अपना रास्ता बदल लिया। कपिल सिब्बल ने आज उत्तर प्रदेश से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। सिब्बल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा में भेजेगी, लेकिन वो पार्टी के मेंबर नहीं बनेंगे, पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। हालांकि नॉमिनेशन करने से पहले कपिल सिब्बल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर गए, वहां से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे। नॉमिनेशन के वक्त अखिलेश और रामगोपाल दोनों सिब्बल के साथ थे। नॉमिनेशन के बाद कपिल सिब्बल ने कहा उन्हें आजम खान का भी सपोर्ट है, आजम खान ने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट दिलाने में बड़ी मदद की है। इसके बाद पूछा गया कि कांग्रेस में रहकर निर्दलीय के तौर पर चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो सिब्बल ने खुलासा किया अब वो कांग्रेस ही नहीं है, 16 मई को ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कपिल सिब्बल ने कहा वो एक पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं बनना चाहते, इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पर राज्यसभा में जाना चाहते हैं और 2024 के चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय का भरा है, निर्दलीय का भरा है, इंडिपेंडेंट का भरा है। और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। एज एन इंडिपेंडेंट आई विल बी गोइंग टू द राज्यसभा आफ्टर स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू अखिलेश जी। आई ऑल्सो wish to convey my gratitude to Azam Khan for the support that he has given me. 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूं। इसके बाद अखिलेश यादव भी बोले, कहा सिब्बल साहब बड़े वकील हैं, कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट में भी हमेशा अपनी बात दमदार तरीके से रखते आए हैं। सदन में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार को घेरने में मदद करें। राज्यसभा चुनाव में जिन जिन को सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं, पहला नॉमिनेशन हुआ है। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं, वो लोकसभा में रहे हों राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है, आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है, तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के फैसले से चाचा शिवपाल खुश नहीं है। शिवपाल यादव ने कपिल सिब्बल की तो तारीफ की, लेकिन यह भी कह दिया कि अगर अखिलेश परिवार वालों के सुनते, पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मौका देते, तो आज पार्टी की यह हालत ना होती। कपिल सिब्बल साहब अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वकील हैं, उनके राज्यसभा में आने से एक हेल्दी राज्यसभा को वातावरण मिलेगा, तो हमें तो खुशी है। तो क्या आपको लगता है सपा के पास क्या कमी है, या समाजवादी पार्टी या उनके जो अलायंस है उनमें से भी किसी को मौका मिलना चाहिए था? उस पर तो आगे हम तो यही कहेंगे अगर ये उन्होंने सोच लिया होता परिवार के लिए और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए, अगर ये बातें सोच ली होती परिवार भी साथ रहता और जमीनी कार्यकर्ता भी साथ रहते तो इस समय सत्ता में हो सकते। कपिल सिब्बल G23 के बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। कांग्रेस में रहते उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसलों पर कई बार सवाल उठाए, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को भी कपिल सिब्बल के फैसले पर हैरानी तो नहीं हुई। तारिक अनवर ने आज कहा कि लोग आते हैं जाते हैं, कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तारिक अनवर ने कहा कि कपिल सिब्बल सिर्फ राज्यसभा के लिए कांग्रेस छोड़ गए, ये ठीक नहीं है। कम से कम कपिल सिब्बल जी जी के जैसे स्ट्रेचर के व्यक्ति से ये अपेक्षा हम लोग को नहीं थी या किसी को भी नहीं थी, क्योंकि एक लंबे समय से वो कांग्रेस से उनका जुड़ाव रहा है और कांग्रेस ने भी उनको हर मौके पर हर अवसर पर उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए वो उनको मिलती रही है। अगर सिर्फ राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वो दल बदल सकते हैं तो ये तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा उनके जाने से? देखिए, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं, और हर पार्टी के अंदर ये सिलसिला चल रहा है, कोई पार्टी आज इससे वंचित नहीं है, लोगों का आने जाने का सिलसिला है। कपिल सिब्बल के नॉमिनेशन पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। ब्रजेश पाठक ने कहा इसमें भी अखिलेश यादव ने अपना कोई फायदा देखा होगा, क्योंकि जहां सौदा पटा वहीं सपा। समाजवादी पार्टी के बारे में अच्छी तरह जाते हो, जहां सौदा पटा वहीं सपा। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के बूथ से लेकर के गांव तक के शहर के सभी आम जनमानस के हित के लिए ऐसे साथियों पर चिंता करती है, ऐसे साथियों को आगे बढ़ाती है जो देश और प्रदेश हित में काम करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुंडे माफियाओं जो समाज विरोधी कृत्य हैं सबका अगर कहीं एक साथ ढूंढना है तो आप सपा में चले जाएं। कपिल सिब्बल बड़े सफल वकील हैं, बड़े प्रभावी ढंग से अपनी केस लड़ते हैं, पार्लियामेंट में रह चुके हैं, राजनीति का स्वाद चख चुके हैं, इसलिए वापस संसद में आना चाहते थे। लोकसभा जीत नहीं सके, कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में भेजना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट लिया। समाजवादी पार्टी से भी कपिल सिब्बल का रिश्ता कोई नया नहीं है, वो अखिलेश यादव के वकील रह चुके हैं। 2016 में भी राज्यसभा के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद ली थी, लेकिन वो अलग अलग लोगों की मदद लेते रहे हैं, अलग अलग रास्तों से पार्लियामेंट में आते रहे हैं। 1998 में जब कपिल सिब्बल फाउंडर केस में लालू यादव के वकील थे तो लालू यादव की पैरवी पर कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। बाद में लोकसभा में आए, मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में मिनिस्टर बनाया, कांग्रेस ने काफी कुछ दिया, लेकिन पिछले 2 साल से इस बात का संकेत मिल रहे थे कि कपिल सिब्बल अब ज्यादा दिन कांग्रेस में नहीं रह पाएंगे। अखिलेश यादव को जाहिर है इसका फायदा होगा, कपिल उनका केस भी लड़ेंगे और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की आवाज भी बनेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।